गांधीनगर खाते प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा गांधी जयंती निमित्ते सामाजिक न्याय पर परिषद नु आयोजन करवामां आव्युं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा सामाजिक न्याय पर प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी को अपनाया था, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को अपनाई थी, अपने देश के अंदर बनी हुई चीज़ों को अपनाया था और अंग्रेजों की चीज़ों का बायकॉट किया था, वैसे ही भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो अपने देश को आगे बढ़ाना होगा, अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा। और दूसरा, हर जाति धर्म का बिना भेदभाव किए देश और समाज तभी आगे बढ़ सकता है कि जब बिना भेदभाव के हम एक दूसरे को प्यार और सम्मान देंगे। और दूसरा कि जो मानव वही मानव होगा जो अपने अधिकारों को जानेगा और दूसरों के अधिकारों के लिए रक्षा करेगा। तो सामाजिक न्याय के इस अवसर पर हम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए जागरूक करते हैं, यही प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मेन उद्देश्य होता है। मेन मकसद था कि समाज के अंदर जो है आत्मनिर्भर भारत, एक भारत आत्मनिर्भर बने, हमारे जितने भी लोग आए हैं वो सेल्फ अपने द्वारा इन्वेंशंस करें, अपने आविष्कार करें और भारत को जो है आगे बढ़ाने में मैं अपना सहयोग दें। दूसरा उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय के प्रति जो लोग हैं जो जागरूक हों। और तीसरा उद्देश्य ये था कि हमारी आज की पीढ़ी के अंदर महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का और उनके संदेश का जो समाचार है वो छुपना नहीं चाहिए। हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे समाचार और मैसेज और उनके द्वारा किए गए काम लोगों तक पहुँचने चाहिए। और हमारे अवार्ड के माध्यम से, अमर शहीद मंगल पांडे अवार्ड के माध्यम से ये सूचना देने का मैसेज है कि देश के प्रति समर्पण पे न जाने कितने लोगों ने जान दी है। एक ने अपनी क्रांति की थी, मंगल पांडे ने, जिनको फांसी की सजा हुई, और एक महात्मा गांधी जी ने अपने द्वारा क्रांति लाई थी जिनकी गोली मार के हत्या हुई। तो समाज के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई के जो हीरोज़ हैं उनको समाज न भूले और हम लोग किसी न किसी बहाने अपने इस पीढ़ी को समाज के प्रति जागरूक करते रहें, इसलिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन करता है। और यही हमारा उद्देश्य होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने सामाजिक न्याय और ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरूक करें। मात्रा में हूँ फिल्म प्रोड्यूसर दिव्याबेन पटेल। पहला तो तहे दिल थी दरेक न्यूज नो हूँ आभार मानु छु कि मीडिया छे तो अमे छे। हूँ फिल्म प्रोड्यूसर दिव्याबेन पटेल मारुति आर्ट बेनर थी। अने आजे खूब ज गर्वनी वात ए थाय छे कि गुजरात नी अंदर कोई एवो हीरो के जे प्रोग्रेसिव ह्यूमन आज प्रोग्राम करी रहा है तो एना माटे आटला मीडिया ने भेगा करी, आटली ऑडियंस ने भेगा करी अने समाज ने सुधारवा माटेना, समाज ने कंईक सारी ओळख आपवा माटेना जे सारा विचारों धरावे छे अने दरेक मीडिया ने पब्लिक ने जॉइन करी अने महिलाओं माटे सशक्तिकरणनी भावना दाखवता अमारा प्रेसिडेंट श्री राकेश पांडेजी आ बिरदू ઝડપ્યું છે। લગભગ હું 10-1 વર્ષથી એમની સાથે આ સંસ્થા સાથે જોડાઈ છું પણ આની અંદર નિત્ય નવીનતમ, હંમેશા લોકોને અગ્રેસિવ કરવા માટેનું, હંમેશા પ્રેરણાદાયી વાક્યો બોલવાનું, હંમેશા લોકોને મોટિવેશન કરવાનું કાર્ય અમારા રાકેશ પાંડે કરી રહ્યા છે। તો હું ખૂબ જ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું કે આવી સંસ્થા સાથે હું જોડાઈ છું અને ગુજરાતની દીકરી હોવાના તે આજે ગુજરાતની